मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद रोशनी जाने का मामला, अब तक 16 की निकाली गई आंख, बोले आंख ठीक करवाने गए थे अब निकलवाने की नौबत। मुजफ्फरपुर में 328 लोगों के घर जाएगी हेल्थ टीम, एक सप्ताह में आंखों का ऑपरेशन कराने से लेकर जानकारी, अब तक 17 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी। मुजफ्फरपुर में ससुराल आए युवक की मिली लाश, कमरे से मिला सल्फास का टैबलेट, घरेलू विवाद में आत्महत्या की आशंका, 2 साल पहले ही हुई थी शादी। मुजफ्फरपुर में बहू ने सास को पटक कर पिलाया जहर, हालत गंभीर, संपत्ति विवाद और ननद के आने से थी नाराज, सास ने विरोध किया तो मारपीट की। बिहार में 2446 दरोगा की बहाली पर रोक, मेरिट लिस्ट से 268 अभ्यर्थियों का नाम बाहर होने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, राज्य सरकार से मांगा जवाब। खुद को सांसद बता, वीआईपी रूम में ठहरी महिला, गले में बांका एमपी का आई कार्ड भी लटका मिला, कमरा नहीं देने पर पीएम को फोन करने की धमकी दी। बघा में शराब के नशे में विकास मित्र गिरफ्तार, पति की रिहाई के लिए रो रो कर लगाती रही गुहार, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। पढ़ाई के साथ एलईडी पर अश्लील भोजपुरी डांस, सीतामढ़ी में कोचिंग सेंटर में शिक्षक बोर्ड पर पढ़ा रहे, इधर बच्चे डांस के मजे ले रहे। बघा में शराब पीने के आरोप में पंचायत सचिव गिरफ्तार, शराब पीकर मजे में घूम रहे थे बाजार, किसी ने फोटो खींचकर पुलिस को बताया। शराब तस्करों को ढील देने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, मुजफ्फरपुर में शिथिलता बरतने वाले थानेदार और आईओ पर होगी कार्रवाई, तिरहुत रेंज के आईजी करेंगे समीक्षा। बिहार की सियासत में व्यक्तिगत हुए जेडीयू नेता ललन सिंह, अब जगदानंद सिंह के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे, याद दिला रहे पुराने दिन। जयमाला में हर्ष फायरिंग, दूल्हे के भाई को लगी गोली, पटना में जयमाला के दौरान बारातियों ने जमकर की फायरिंग, सिर में गोली लगने से हालत गंभीर। बिहार में 5 दिसंबर को बारिश के बाद बढ़ेगी ठंड, 5 डिग्री तक गिरेगा पारा, पिछले 3 दिनों में राज्य में दिन के साथ ही रात के तापमान में गिरावट। पत्नी से परेशान जेई फंदे से झूला खगड़िया में जूनियर इंजीनियर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा पत्नी की प्रताड़ना से तंग हूं। बेगूसराय में 4 साल के मासूम को मारी गोली, कंधे पर बैठा कर घर ले जा रहा था पिता, नशेड़ी ने पीछे से चला दी गोली। सिवान में पिकअप बाइक में टक्कर, एक की मौत, शादी में शामिल होकर घर लौट रहे थे दो दोस्त, तेज रफ्तार पिकअप से सीधी टक्कर, दूसरा गंभीर। पटना जिम ट्रेनर गोलीकांड में 10 की जांच पर सवाल, जिस मेडिकल पेपर की तस्वीर विक्रम ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दी, वही डॉक्टर ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। 11 साल से अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं, मुजफ्फरपुर में सिस्टम पर सवाल, दो नेत्र विशेषज्ञ रहने के बावजूद भी नहीं होता है ऑपरेशन। सर्विसिंग के लिए दी थी कार, आग लगने से स्वाहा, पटना के गैराज की घटना, सर्विसिंग के दौरान गैस वेल्डिंग के चिंगारी ने जलाई गाड़ी। 20 दिसंबर से मिनी पितृ पक्ष होगा शुरू, 15 दिनों तक चलेगा पिंडदान के लिए 1 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों के आने की उम्मीद। सिवान में अनियंत्रित कार ने 2 बाइक सवार को ठोका, ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार, गंभीर स्थिति में निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। दिल्ली एम्स में लालू यादव डिस्चार्ज, डॉक्टरों की अनुमति बाद मीसा भारती के आवास लौटे। 65 लोगों की गई रोशनी, तब प्रशासन की खुली नींद, मुजफ्फरपुर के अखपुड़वा हॉस्पिटल पर दर्ज होगी FIR। सीतामढ़ी में कारोबारी के यहाँ भीषण डकैती, फायरिंग व बम स्फोट से सहमा इलाका। शुक्रवार को पटना से खुलने वाली एर्नाकुलम एक्सप्रेस कैंसिल, जवाद चक्रवाती तूफान बना वजह, रेलवे ने 7 ट्रेन कर दी है कैंसिल। गोद में बच्चा लिए माँ, पढ़ाई छोड़ छात्रा लाइन में। बक्सर में खाद को लेकर राजपुर में सड़क जाम, धनसोई में गोदाम का गेट टूटा। एक कट्टा जमीन के लिए भाई का मर्डर, सहरसा में हाईवे पर मौसेरे भाई ने स्कॉर्पियो से कुचला और हाथ हिलाते हुए फरार हो गया। छपरा में छात्रों ने SP ऑफिस का किया घेराव, अवैध बालू खनन के खिलाफ छात्रों ने किया पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव, सारण पुलिस चोर है का लगाए नारे। ऑपरेशन के बाद वेंटिलेटर पर पहुंचा अयांश, मां ने लोगों से मार्मिक अपील, कहा दुआएं कीजिए बेटा ठीक हो जाए। रिंटू सिंह हत्याकांड के आरोपी मंजीत सिंह का सरेंडर, पुलिस गिरफ्तार करने की तैयारी में थी, पकड़ में आने से पहले ही किया सरेंडर। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।